नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दोस्तों, जहां हर तरफ नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, वहीं तीन खूबसूरत फनकाराएं लेकर आई हैं पैगाम मोहब्बत। आखिर क्या है ये पैगाम मोहब्बत, बता रही हैं ये तीन फनकाराएं। जानी मानी गायिका मधुश्री भट्टाचार्य व अभिनेत्री जूही बब्बर व रक्षंदा खान। इस बार मधु जी बताएंगे कि पैगाम मोहब्बत का असली पैगाम क्या है और ये कहां से इसकी इब्तिदा हुई और इसकी इजाद कैसे हुई। मधु जी, इस सब कुछ आप बताएंगे। इस प्रोग्राम में मैं सिर्फ गजल गाऊंगी, बात तो आप करेंगे ना, तो पेश ये रहेंगी, लेकिन बाकी सब कुछ हम पेश करेंगे। तो बेसिकली जूही, आप बताइए, जैसे आप हमेशा बताती हैं कि पैगाम मोहब्बत आज की डेट में इतना रेलेवेंट क्यों है। क्योंकि पैगाम मोहब्बत ये शाम मोहब्बत लेके आ रही है, एक मोहब्बत का पैगाम लेकर आ रही है, और शायरी तो है ही मोहब्बत की ज़बान, तो आप यहाँ वो ज़बान गायकी में सुनेंगे और रक्षंदा आपको शायरों के बारे में बताएंगी, और मैं जो मधुश्री जी गाएंगी आपके लिए वो शायरी ज़रा आसान शब्दों में आपको समझाऊंगी, कोशिश करूंगी। कुछ बहुत बड़े बड़े शायरों की हम आपको कलाम सुनाने वाले हैं, और आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है, और आईडी ऑफ इंडिया फाउंडेशन के जो उमर सिद्दीकी साहब हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट है, सबका ख्याल ये है कि बेहद ज़रूरत है मोहब्बत की दुनिया में, सिर्फ मुल्क क्यों गए, पूरी दुनिया में बहुत ज़रूरत है। तो हम अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि हम शायरी के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं और एक खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए आप सबके दिल को छुएंगे शायरी की ज़बान। गज़ल्स विद एक्सप्लेनेशन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट जी। ये इसका इंसेप्शन किसने कराया एंड हु हैड द आइडिया टू ब्रिंग ऑल ऑफ यू टुगेदर ऑन दिस स्टेज? तो आई थिंक कहीं इसका श्रेय हम में से तीनों में से कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल आइडिया है ये हमारे दिमाग की इजाद नहीं है, ये उमर सिद्दीकी साहब ने इसे क्रिएट किया, इसे पूरी तरह से इसका जो बीच था उनके दिमाग में शुरू हुआ, एंड देन आई थिंक ही डेवलप्ड द होल थिंग। और कहीं पे उन्हें शायद ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा गज़लों को जो ब्यूटीफुली पेश कर पाएंगी वो मधु जी की आवाज़ है, तो बीच में उन्हें ऐसा भी लगा कि एक एंकर की ज़रूरत पड़ेगी, तो शायद उन्हें ऐसा लगा कि थोड़ी सी ज़बान आती है इसे, तो मुझे ले लिया, और साथ में फिर उनको पता था कि जूही जी जो हैं उनकी हर चीज़ पे पकड़ बहुत अच्छी है, वो समझाती बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि वो शायरी जो कभी कभी लोगों को पेचीदा लगती है, ऐसे लगता है कि है बहुत खूबसूरत सुनने में लेकिन समझ नहीं पा रहे, उसे और आसान बनाने के लिए वो जरूरी था कि एक बहुत ही कैप्टिवेटिंग पर्सनालिटी को लिया जाए, तो इसलिए जूही जी आई पिक्चर में। एक्चुअली ये बात नहीं है, उमर सिद्दीकी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, और शुरू से उनको ये था कि गायकी, गज़ल गायकी और नरेशन प्लस गज़ल के बारे में बताना, तो ये जो तीनों संगम है शुरू से उनके मन में ये बात आई थी, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कभी ऐसा हुआ नहीं, पहली बार, फर्स्ट टाइम तीन लेडीज़, ब्यूटीफुल रक्षंदा, ब्यूटीफुल जूही, और आप सोचिए। मुझे जो बात बहुत ही अच्छी लगी वो ये है कि जब आप गज़ल के बारे में सोचते हैं, जब आम लोग कोई भी सोचेगा गज़ल के बारे में, आपके जहन में हमेशा एक मेल आवाज़ आएगी कि किसी एक मर्दानी आवाज़, मगर ये बिल्कुल भी, हमने उस कॉन्सेप्ट को तोड़ कर ये अलग चीज़ हम आपके लिए ला रहे हैं, एक सुरीली, एक जनाना आवाज़ में हम आपको गज़लें सुनाएंगे। और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लगा कि मैं हमेशा खूबसूरत हीरोइनों के लिए गाया, लेकिन अभी देखिए मेरे साथ लाइव परफॉर्मेंस में खूबसूरत रक्षंदा जी, हम होंठ हिलाएंगे और आवाज वो भी मधु जी जी, जैसे मधु जी ने कहा कि तीनों संगम, यानी कैसे मिलाप हुआ तीनों का, किस तरह से मिल गया और ये प्लान किए? भाई जैसे कि हमने कहा ना, मधु जी जो है वो जो सारे गजल हैं आवाज देंगी वो,
जो शायरों के बारे में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है उसके बारे में बताऊंगी मैं, और जो एक्चुअल शायरी है, जो गज़ल है, उसको और आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगी जूही जी। तो बेसिकली हर किसी का एक अलहदा रोल है, बहुत क्लियर है, किसी का ओवरलैप नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं जूही जी गा देंगी और बिल्कुल नहीं, तीनों का बराबर जी जी जी। तो हर कोई एक पहिया है जहाँ पे तीनों का अपना एक इक्वल वेटेज में नहीं कह सकती, क्योंकि बेसिकली तो शो मधु जी के शोल्डर्स पर है, गाएंगी वो, सारा कुछ वो ही आगे ले जा रही है। बट जूही एंड आई आर गोइंग टू मेक श्योर कि जहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत हो हम वहाँ पर पीछे खड़े मिलेंगे। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े शायरों की गज़लें मैं गाऊंगी, और इसमें जो म्यूज़िक है रॉबी बादल जी ने दिया है, आज का म्यूज़िक है, मतलब गज़ल प्रोग्राम के नाम से ये लगता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो तो है, लेकिन उसके साथ में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट भी रखा है, टेम्पोररी कॉन्टेम्पोररी म्यूज़िक है उसमें, बहुत ही अच्छा है, जो आज के जनरेशन में बहुत पसंद आएगा। How does it feel breaking so many boundaries with all three of you and Ravi ji? Well, I think the only thing that should be constant in life should be change. And that is the one thing that we are trying to achieve over here. लोगों का जो perception है कि गज़ल एक तरीके से गाई जाती है, उसका एक तरीके का साज होता है, एक तरीके का उसका टेम्पो होता है, एक तरीके का प्रेजेंटेशन होता है, दैट इज़ समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू अ डिफरेंट मोल्ड। ऑब्वियसली उसकी जो रूह है वो हम कहीं बदलना नहीं चाहते, बिकॉज दैट इज़ द बेसिक रियल स्टार ऑफ इट ऑल। उसकी रूह को कायम रखते हुए उसका ऊपर का चोगा जो है थोड़ा सा हम और कंटेम्प्रेरी करने की कोशिश कर रहे हैं, हल्का सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए बताएंगे क्या। Is there anything else about the event you'd like to tell us? बस आइएगा ज़रूर, क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह की कोशिश बार बार देखने को नहीं मिलती है, और हमारी ये कोशिश है कि बार बार देखने को मिले, इसलिए आपका इस शो में आना बहुत ज़रूरी है, कि इस शो की जब हम सक्सेस देखेंगे कि कैसा गया, कितना अच्छा लगा लोगों को, तब हमारी हिम्मत बढ़ेगी कि हम इसके और शोज़ कर पाएँ और लोगों तक के मोहब्बत बिल्कुल हमारे देश की जो तहजीब है उसे कायम रखने के लिए शायद ये बहुत एक इम्पोर्टेंट कदम है जो आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, और जब तक आप हौसला अफजाई नहीं करेंगे शायद किसी की हिम्मत नहीं बढ़ पाएगी कि और ऐसे कदम उठाए जाएं। इसलिए जितनी ज़्यादा तादाद में कल लोग आएंगे, मधु जी को सराहेंगे, इस कॉन्सेप्ट को सराहेंगे, शायद लोगों की हिम्मत उतनी ही बढ़ेगी कि आगे जाके ऐसे और कॉन्सेप्ट्स भी पेश किए जाएं। आइडिया ऑफ इंडिया फाउंडेशन जो है वो एक मिशन है जिसका मकसद ये है कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़ा जाए। आज हम हालात अगर देखें तो हम सब बिखरे हुए हैं किसी न किसी सतह के ऊपर, हमारे जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं उस वजह से हमने अपने आप को बांट रखा है। तो सबसे बड़ा जो मकसद है आइडिया ऑफ इंडिया फाउंडेशन का वो ये कि कम्युनिटीज को, लोगों को, मुख्तलिफ तबकों को जोड़ा जाए आपस में, क्योंकि हिंदुस्तान की जो तरक्की है वह असल तरक्की है जब हमारी यूनिटी होगी, जब हम साथ में होंगे। हर तबका कहीं भी हो, गांव के रहने वाले हों, शहर के रहने वाले हों, मुख्तलिफ कम्युनिटीज हों, उन सबको हम साथ में जोड़े। इसीलिए ये नाम रखा गया है पैगाम मोहब्बत। ये बिल्कुल एक ऐसा एक आइडियल वो है कि एक ऐसी जगह पे हम सब जमा हों। अच्छा, माध्यम जो है, जो जरिया होता है वो लिटरेचर होता है, कल्चर होता है, जबान होती है। गजल की जो जबान है वो खुद जोड़ने की जबान है, वहां पर कोई भी ये डिफरेंस नहीं होता कि ये कौन है, कहां से आया है, किस तबके का है। कोई एक शेर होता है इंसान को ऐसा हिट करता है वो जिंदगी भर उसको गुनगुनाता रहता है। तो इसी को सामने रखते हुए एक ऐसी चीज हम लोग लेकर आए हैं कि जिसमें गजल को पेश किया जाए। हमारे रॉबी बादल साहब ने उसको बहुत खूबसूरत अंदाज से नायाब गजलें जो मुख्तलिफ हमारे बड़े शोरा जो पोएट्स गुजरे हैं, गालिब से लेकर गुलजार दहलवी साहब तक जो है, जिगर मुनदबादी साहब, उन सब के गजलियात को हम लोगों ने एक जगह पे जमा किया। अच्छा, उन गजलों को लिया जो आम फहम है, जो लोगों को समझ में आ सके, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। आजकल अगर आप देखें तो धीरे धीरे
हमारे यहाँ से लिटरेचर का जो मिजाज है, अदबी जो मिजाज है, वो खत्म होता जा रहा है। तो इस एक पैगाम मोहब्बत के जरिए से रिवाइवल ऑफ लिटरेचर भी है, कल्चर भी है, रिवाइवल ऑफ लव, पीस एंड हार्मनी है। यही इसका मकसद है आइडिया ऑफ इंडिया फाउंडेशन का, कि पैगाम मोहब्बत के जरिए से लोगों को जोड़ा जाए। रावी जी, हाउ वाज इट कंपोजिंग फॉर दिस इवेंट? लाइक काफी ब्यूटीफुल इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है, काफी नया कॉन्सेप्ट है, जहां गजल को एक्सप्लेन किया जाए पूरे लाइक न्यू क्राउड के लिए, फॉर द यंगर ऑडियंस एज वेल। सो हाउ डिड यू चेंज योर कंपोजिशंस टू लाइक अफेक्ट दिस? पहले तो मैं उमर जी के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि मैं ये काम कर सकूं, और जब इन्होंने कहा और हाँ करने में मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि जो जो गजलों जो जो शायर के इन्होंने नाम लिए हैं वो बहुत दिग्गज हैं, और उन शायरों की धुनें बनाना और आज के अंदाज में पेश करना वो कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आज जो जनता पब्लिक सुनती है वो नए अंदाज से सब चीज़ सुनती है। आप जानते हैं, हमारे भाई भी कह रहे थे कि शायरी किस तरह से कहाँ पहुँच गई है, जिसमें अल्फाज की कोई मायने है नहीं, कोई भी वर्ड्स की भी मतलब जो वर्ड्स के हम मुंह पे लाने के लिए घबराते थे आज वो मेन स्ट्रीम गाने में लाया जाता है। तो एक तरफ तो मैं बहुत खुश हुआ कि इन्होंने ये मुद्दा उठाया कि भाई हम पुराने शायरों की गजलों को पेश करेंगे और इसको आपको बनाना है, नए धुने बनानी है, तो और ऐसी धुने की लोग उसको पसंद करें, तो ऑब्वियसली इतना आसान काम नहीं है। आप जानते कोई भी गाना हिट होता है तो पहले लोग नॉस्टैल्जिया में जाते हैं, यार कहीं सुना हुआ लगता है, लेकिन आप सोचिए कि नई गजलें जो कभी आप सुने नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ जिसे मधु जी कहीं कहीं पे न्यूज़ में मीडिया में गा रही थी तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, लोग पसंद किए कि, और तब मुझे अपने आप पे विश्वास आया और चलो कहीं ना तो लोग पसंद करेंगे, और मुझे आशा है लोग पसंद करेंगे। और इस गजलों की को हम एक अलहदा रूप में पेश कर रहे हैं, हम उस जमाने से नहीं जहाँ पर मेहंदी साहब, बेगम अख्तर, गुलाम अली साहब तबले हारमोनियम और सारंगी पे आए थे, हम गजलों को कॉन्टेम्प्रेरी वे में पेश कर रहे हैं, जिसमें आपको ग्रैंड पियानो मिलेगा स्टेज पे, ड्रम्स मिलेंगे, परकशन, लेकिन हारमोनियम तबला भी है, वायलिन भी है, गिटार भी है, बेस गिटार है। आप मुझे लगता है कि लगता नहीं, मुझे पूरा आशा है कि ना सिर्फ जो लोग उम्रदार है गजल को पसंद करते हैं, लेकिन आम जो पब्लिक है, नॉर्मल बच्चे भी इसको पसंद करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच उमर भाई, मुझे लगता है जो आपका पार्ट है, जो आप ये मैसेज पैगाम मोहब्बत का मैसेज जनता को देना चाहते हैं, इस मौसीकी के द्वारा हम जरूर कामयाब होंगे।